असला स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट टू मैथमेटिक्स की सीरीज और हम कम्प्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज के अंदर चैप्टर नंबर वन सो so, आज हम सीखेंगे की लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट है ओके क्वेश्चन सो क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर थ्री एंड फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है, वो के है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है और हमने फाइंड क्या करना है ओवर एच ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका ए पार्ट दैरिमीटर पी ओ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए से वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर्स में बहुत दफा आया हुआ है ओके okay? जो कि जो के पेपर्स में बार बार आया हुआ क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर का पार्ट। शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ऑफ एक्स इसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, एक है दिया गया है जी ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कोमा एक्स लेस देन थ्री एंड टू एक्स प्लस वन कोमा एक्स ग्रेटर टू थ्री ओके क्वेश्चन नंबर एट का पार्ट नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन क्वेश्चन नंबर नाइन है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑट सो इसका पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर फाइव और पार्ट नंबर सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने फाइंड करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑर्ट नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके फर्स्ट थर्ड थ्री पार्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम सॉल्व क्या करेंगे एफ ऑफ जिये कंपोजिशन हम सॉल्व करेंगे और जिये हम सॉल्व करेंगे सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से वेरी इंपॉर्टेंट है और फंक्शन में हम, हमें दिया गया एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस एड और हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से इतना इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में थ्री एंड फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर हमने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों सॉल्व करने हैं हमने एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड करना है और एफ इनवर्स माइनस वन भी फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने टू पार्ट्स को सॉल्व करना होगा और फर्स्ट पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जिसके अंदर हमने सिर्फ इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है ओके सो नेक्स्ट जो है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्समेज ऑफ एफ इन वर्स का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है डोमेन और रेंज को फाइंड करना है एफ इनवर्स फंक्शन की लेकिन हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड किए बगैर फाइंड करना है ओके सो हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर हम कम्पलीट कर चुके हैं समझ चुके हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे आप जाए सीखे समझे ओके अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को विजिट करें नाउ स्टूडेंट्स सैंडविच थियोरम और ये वाला प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कि सैंडविच थ्योरम हम सॉल्व करेंगे और उसको हम यूज करेंगे इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए कैसे लिमिट थीटा जीरो, थीटा थीटा टू ओवर इज इक्वल टू वन स्टूडेंट्स ये प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि अगर ये प्रूफ आता होगा तो हम एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री के बहुत से क्वेश्चन प्रूफ को यूज करते ही हुए ही सॉल्व करेंगे वीडियो लेक्चर है सैंडविच थ्योरम उसमें हमने सीखा है और हमने सीखा है कि जब लिमिट थीटा अप्रोच कर रही हो जीरो को, थीटा थीटा है वन के ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है और हमारे पास सेवन पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारे पास थर्ड पार्ट और सिक्स पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है ओके और हमारे पास सेवन पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है और एक्स पार्ट पार नीस के टेंथ पार्ट छोट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इलेवन और 12 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट छोट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 से पहले हमारे पास चीज आती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फन एट ए नंबर जिसमें हमने देखना होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन स्टूडेंट्स ये शोर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है की अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो कैसे है उसकी क्या कंडीशन इन थ्री कंडीशन को हमें याद करना है नॉ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थ्री लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पीस वाइज फंक्शन है जिसमें हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है टू पार्ट्स में एक्स इज इक्वल टू टू पर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर ओके नॉ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फोर जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और फाइव और सिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके सो सिक्स पार्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर बार हाथ हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स और एक्सरसाइज 1.5 इतनी फाइव इम्पोर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट थे यूनिट नंबर वन में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ओके क्वेश्चन जी तो स्टूडेंट्स नीड टू वरी हम यूनिट नंबर वन की एक्सरसाइज 1.1 और वन पॉइंट फोर के हर क्वेश्चन का हर पार्ट प्रीवियस वीडियोज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं सोल्व आउट कर चुके हैं अंडरस्टैंड कर चुके हैं और जाए सीखे समझें प्ले का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया चैप्टर नंबर वन की ओके okay, सो so, सो फुल बुक के ऑल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ओके अल्लाह हाफिज़